हेलो फ्रेंड्स, आते हैं आपके प्रिंस चैनल में। आज हम बात करेंगे ऑरोबिंदो फार्मा लिमिटेड के बारे में। मैं आपको बता दूँ, ये जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन शेयर है आप लोगों के लिए। ये शेयर आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में। और मैं आपको बता दूँ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फार्मा कंपनी का शेयर है और बिल्कुल जो है कंपनी जो है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट टाइम है इसमें फ्रेश एंट्री लेने का। ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है इसमें फ्रेश एंट्री लेने का, अगर आप फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, कंपनी जो फाइनेंशियली फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और काफ़ी अच्छा जो कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जो आपको रिटर्न देकर जाएगा। इस शेयर को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें। और तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट करें। तो जैसे कि सबसे पहले मैं बात करें कंपनी के बारे में, तो कंपनी जो एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द मार्केटिंग ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड जेनरिक फार्मास्यूटिकल एंड रिलेटेड सर्विसेज जो होते हैं वो कंपनी प्रोवाइड कराती है। अब हम बात करें इसके फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स में मार्केट कैपिटल लगभग 41,742 करोड़ है, एंड करेंट प्राइस की अगर हम बात करें तो 712 रुपये इसका जो करेंट प्राइस चल रहा है, एंड हाई जो कंपनी ने वो 1024 बनाया और 660 कंपनी ने जो लो बनाया। और हम इसके स्टॉक पी की बात करें तो लगभग 7.84 इसका जो स्टॉक पी है, काफ़ी सस्ते में आपको ये शेयर मिल रहा है। एंड बुक वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 374, एंड डिविडेंड कंपनी काफ़ी अच्छा दे रही है 0.56% का। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें कंपनी के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18.5% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड साथ ही साथ आरओई की अगर हम बात करें तो 27.5% इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। एंड एक रुपये इसका जो फेस वैल्यू है था। ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि आपने देखा कंपनी काफ़ी अच्छे अपने फंड को रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ कर रही है, यूटिलाइज़ कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने में। तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ से आप काफ़ी अच्छे डिविडेंड का फ़ायदा ले सकते हैं, और साथ ही साथ बेस्ट टाइम है इसमें आपको फ्रेश एंट्री लेने का, काफ़ी ज़्यादा सस्ता आपको ये शेयर मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं इसके क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करूं, तो कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंपनी परफॉर्म कर रही है। अगर हम इसके पी एंड एल अकाउंट की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर अपनी कंपनी ने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है, एंड नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रही है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया शेयर है। अगर हम बात करें इस शेयर के बारे में, तो इसके अगर हम देखें बोरोइंग्स को, तो कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स को काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ करी है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी को ईयर ऑन ईयर अपने प्रॉफिट को बोरोइंग्स को जो है कम करती जा रही है। और साथ ही साथ फिक्स्ड एसेट्स की बात करें, तो कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट्स को इंक्रीज़ कर रही है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बात है। अगर हम बात करते हैं इसके कैश फ्लो पोजिशन की, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। और हम बात करें कंपनी के, कंपनी अपने मेन बिजनेस से भी काफ़ी अच्छा कैश जनरेट कर रही है। अब हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो 51.83% जो प्रमोटर्स होल्डिंग है, 23.70% डोमेस्टिक फॉरेन इन्वेस्टर्स 23.70, एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लगभग जो 14.66%, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्रीज करा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अपनी होल्डिंग को, एंड द पब्लिक होल्डिंग इज 9.80%, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया शेयर होल्डिंग पैटर्न से और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंपनी परफॉर्म कर रही है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ये मौका आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। 712-725 रुपये का ये शेयर मिल रहा है आप लोगों के लिए, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मौका आप लोगों के लिए शेयर में इन्वेस्ट करने का। ये शेयर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, और साथ ही साथ 0.56% कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आरओई आरओसी कंपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ से आप काफ़ी अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और काफ़ी अच्छे अपने फंड को यूटिलाइज़ कर रही है प्रॉफिट बनाने में, और साथ ही साथ कंपनी अपने बोरिंग्स को भी कम जो है करती जा रही है। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मौका है, इस शेयर को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें। अगर ऑलरेडी इस शेयर को आपने बाय कर लिया है, अगर आपने करीब 800-900 रुपये पर इस शेयर को बाय करा है, तो या तो आप इस शेयर को आप एवरेज प्राइस कर सकते हैं, वरना आप जो पेशेंस रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर आपको किसी शेयर के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।